भारतीय सिनेमा का सबसे पहला हीरो बनारस में करता था पहलवानी। मेरे यूट्यूब दोस्तों, जब से भारत में फिल्में बननी शुरू हुई तब से लेकर आज तक फिल्म इंडस्ट्री में अनेक हीरो यानी अभिनेताओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सिनेमा प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया और उनके दिलों में खास जगह बनाकर अपना दीवाना बना लिया। ओ खई के पान बनारस वाला, कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कौन कम बक बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा का सबसे पहला हीरो यानी अभिनेता कौन था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये सब जानने से पहले इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज से 110 साल पहले साल 1913 में जब भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने इस फिल्म में काम करने के लिए कलाकारों को खोजने के लिए इंदु प्रकाश जैसे अखबारों में विज्ञापन छपवाया। बड़ी संख्या में लोग ऑडिशन देने के लिए दादा साहब के पास आने लगे, पर दादा साहब की नज़र में कोई खरा नहीं उतर रहा था। तब दादा साहब ने विज्ञापन छपवाना बंद कर दिया और उस जमाने में नाटक करने वाली थिएटर कंपनियों के जरिए कलाकारों को तलाश करने का फैसला किया। दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी फाल्के फिल्म्स में सबसे पहले पारसी थिएटर नाट्य कला में काम करने वाले पांडुरंग गदाधर और गजानन वासुदेव साने शामिल हुए। इन दोनों को दादा साहब फाल्के ने 40 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर रखा। दादा साहब ने अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में गजानन वासुदेव साने को ऋषि विश्वामित्र का रोल दिया। दादा साहब फाल्के को अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में राजा हरिश्चंद्र का मेन रोल करने के लिए एक कलाकार की जरूरत थी। गजानन साने ने अपने एक मित्र दत्तात्रेय दामोदर दबके यानी डी दबके को दादा साहब फाल्के से मिलवाया। दादा साहब डी दबके की पर्सनालिटी और कद काठी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने डी दबके को अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में राजा हरिश्चंद्र का मेन रोल करने का ऑफर दे दिया। साल 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में डी दबके यानी दत्तात्रेय दामोदर दबके ने फिल्म के मुख्य अभिनेता फिल्म के हीरो राजा हरिश्चंद्र का रोल अदा किया। इस तरह डी दबके भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे पहले हीरो यानी सबसे पहले अभिनेता बने। दादा साहब फाल्के ने डी दबके को अपनी फिल्म का हीरो बनाने के साथ साथ अपनी फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर भी बनाया।
इस तरह डी.डी. डबके भारतीय सिनेमा के सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर भी बने। दोस्तों, डी.डी. डबके का जन्म 1885 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में दापोली तालुका में आसुत गांव में हुआ था। डी.डी. डबके ने स्कूल जाने की उम्र में घर छोड़ दिया और बनारस आ गए। बनारस आकर वे अखाड़े में कसरत करने लगे और अपना शरीर बनाने लगे। इसके साथ साथ वे कुश्ती भी लड़ने लगे। डी.डी. डबके बचपन से ही बनारस में रहने लगे थे, इसलिए उन्हें हिंदी और उर्दू अच्छे से आने लगी। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही डी.डी. डबके ने उर्दू नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। नाटकों से इन्हें इतना लगाव हो गया कि नाटक थिएटर में अपना भविष्य तलाश करने के लिए डी.डी. डबके बनारस से बंबई आ गए और बंबई के मराठी नाटक कंपनियों में काम करने लगे। बंबई में मराठी नाटक कंपनी में काम करते करते डी.डी. डबके को दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम मिल गया और वे भारतीय सिनेमा के सबसे पहले हीरो यानी अभिनेता बन गए। डी.डी. डबके ने 1913 में दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम करने के बाद दादा साहब की तीन और फिल्मों में काम किया। साल 1917 में फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और लंका दहन, साल 1918 में फिल्म कृष्ण जन्म और साल 1919 में फिल्म कालिया मर्दन, साल 1917 में बनी फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का एक छोटा रूप थी। साल 1917 में बनी फिल्म लंका दहन में डी.डी. डबके ने लंका के राजा रावण का रोल किया। फिल्म लंका दहन भारत की पहली फिल्म थी जिसमें पहली बार रावण को सिनेमा के पर्दे पर दिखाया गया और डी.डी. डबके भारतीय सिनेमा के सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा में पहली बार रावण का रोल किया था। दोस्तों, फिल्म लंका दहन में ही पहली बार सिनेमा के पर्दे पर श्री राम, सीता जी और हनुमान जी को दिखाया गया। श्री राम और सीता जी का रोल अन्ना सालुंके ने किया था और हनुमान जी का रोल गणपत शिंदे ने किया। साल 1918 में दादा साहब फाल्के की नई फिल्म कंपनी द हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी के बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म श्री कृष्ण जन्म में भी डी.डी. डबके ने काम किया। इसी फिल्म में पहली बार श्री कृष्ण के बाल रूप को सिनेमा के पर्दे पर दिखाया गया। श्री कृष्ण के बचपन का रोल दादा साहब फाल्के की बेटी नीलकंठ मंदाकिनी फाल्के ने निभाया। डी.डी. डबके ने दादा साहब की साल 1919 में बनी फिल्म कालिया मर्दन में भी काम किया। यह फिल्म श्री कृष्ण द्वारा जहरीले सांप कालिया से युद्ध करने के प्रसंग पर है। डी.डी. डबके ने 5 सालों तक दादा साहब फाल्के के साथ बतौर एक्टर, कैमरामैन, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। साल 1922 में डी.डी. डबके ने दादा साहब की फिल्म कंपनी को छोड़कर द्वारका दास संपत की फिल्म कंपनी कोहिनूर फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली और बतौर डायरेक्टर और कैमरामैन के रूप में काम करने लगे। डी.डी. डबके ने द्वारका दास संपत की फिल्म विश्वामित्र मेनका का निर्देशन किया
और फिल्म में विश्वामित्र का मेन रोल भी अदा किया। इसके बाद डीडी दबके ने फिल्म सत्यनारायण, सुकन्या सावित्री और साल 1924 में होमी मास्टर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 20वीं सदी काला नाग में बतौर कैमरामैन काम किया। आगे चलकर 1927 में डीडी दबके एक्सेसियर फिल्म कंपनी में बतौर कैमरामैन जुड़ गए और कई साइलेंट फिल्मों में बतौर कैमरामैन काम किया, जैसे फिल्म दिल फरोश, लैला मजनू, ननद भौजाई आदि फिल्में। डीडी दबके ने प्ले आर्ट फोटोकोन फिल्म कंपनी के बैनर तले फिल्म डायरेक्टर अब्दुल रशीद करदार की साइलेंट फिल्म हुस्न का ढाकू में बतौर कैमरामैन काम किया। डीडी दबके ने फिल्म बंदे मातरम आश्रम में भी फोटोग्राफी की। डीडी दबके ने साइलेंट यानी मूक फिल्मों के युग में 50 से अधिक फिल्मों में फोटोग्राफी की। वे एक महान फोटोग्राफर थे। ट्रिक फोटोग्राफी में उन्हें महारत हासिल थी। 16 दिसंबर 1946 को डीडी दबके की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये थी दास्तां भारतीय सिनेमा के सबसे पहले हीरो यानी सबसे पहले अभिनेता डीडी दबके की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में एक अभिनेता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और आगे चलकर एक महान फोटोग्राफर कैमरामैन बने।